हाय फ्रेंड, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल ग्रूविंग विद G75, यानी कि G75 की मदद से किस तरह से मल्टीपल ग्रूव बनाएंगे उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि इस तरह का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, लेकिन कल मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि सर G75 का वीडियो एक और बनाइए, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त जाना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले ड्रॉइंग समझा दूँ। ये अपना ड्रॉइंग है जो कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों, इसका ओडी डाया 80 दिया हुआ है और इसका ग्रूव का डाया 60 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ है 20, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, ठीक है दोस्तों। इसका भी जो ग्रूव का विड्थ है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये ग्रूव का भी 10 दिया हुआ है, इसलिए हम जो ग्रूविंग इंसर्ट यूज करेंगे वो 10 mm का ही यूज करेंगे। 10 mm का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि अपना एक बार टूल प्लंज करेगा तो एक बार प्लंज करने पर अपना 10 mm भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम 10 mm ग्रूविंग इंसर्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि 4 mm ग्रूविंग इंसर्ट से बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब देखिए, ये जो ग्रूविंग इंसर्ट है आप लोगों को पता होगा इसका दो एज होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। हम लोग इस एज से ऑफसेट लेंगे, यानी कि एज नंबर ए, ठीक है, ए से ऑफसेट लेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया? तो दोस्तों, ये ऑफसेट लेकर के अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसका ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है। तो पहले इसका हम G75 का जो फॉर्मेट होता है फॉर्मेट को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑफसेट लेकर के प्रोग्राम बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। ये फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फॉर्मेट G75R G75XZPQR, ये अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबरिंग कर दिया हूँ, क्योंकि ये इस नंबरिंग के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग आसानी से समझ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। अब देखिए, जैसे कि 1 नंबर, यानी कि G75 क्या डील करता है, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ग्रूविंग साइकिल, यानी कि ग्रूविंग साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक को ये डिनोट करता है नंबर 1, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 क्या है, आर, यानी कि 2 नंबर में क्या है, रिटेक्ट अमाउंट। रिटेक्ट अमाउंट क्या होता है दोस्तों, जब टूल मेटल रिमूव करने के बाद जितना एमएम ऊपर उठता है उसी को रिटेक्ट अमाउंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आशा करता हूँ पॉइंट 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर में क्या है, G75, ये किसको डिनोट करता है, ये करता है सेकेंड ब्लॉक ऑफ ग्रूविंग साइकिल, यानी कि ये ग्रूविंग साइकिल का सेकेंड ब्लॉक को डिनोट करता है। थर्ड नंबर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ नंबर पॉइंट, यानी एक्स किसको डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है ग्रुप डेप्थ को, यानी कि अपना ग्रुप का जितना डेप्थ रहता है एक्स में उसका वैल्यू देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जेड नंबर, जेड यानी कि पॉइंट नंबर 5, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 क्या है, लास्ट ग्रुप पोजिशन इन जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस का जो पोजिशन ग्रुप का जो लास्ट पोजिशन होता है वो जेड एक्सिस में उसको दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। पी डिनोट करता है पेथ इंक्रीमेंट, यानी डेथ ऑफ कट, डेथ ऑफ कट को पी डिनोट करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, जो कि क्यू है, क्यू यानी कि 7 नंबर क्या है, स्टेपिंग। दोस्तों, ये स्टेपिंग क्या होता है अभी आप लोगों को हम ड्रॉइंग के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, 20 दिया हुआ, ठीक है। फिर ये जो भी थे ए बी 10 का, और ये अपना ग्रुप का जो भी थे ए बी 10, यानी 10 ये और 10 ये, टोटल 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 हो रहा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसी को स्टेपिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रिलीफ अमाउंट, यानी कि रिलीफ अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मैं जब आप लोगों को प्रोग्राम बनाऊंगा तो रिलीफ अमाउंट क्या होता है उसको प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो G75 का फॉर्मेट होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए, अब इसी फॉर्मेट की मदद से हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टूल नंबर T0101, यानी टूल नंबर 1 को कॉल किया, M03, S300, G97,
G97 ये कांस्टेंट कटिंग स्पीड होगा और यहाँ पे स्पिंडल स्पीड 300 रखा हूँ, एंड जो 3 यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को रोटेट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट G0X81Z5 यानी कि ये जाया 80 है, टूल को कॉल किया हुआ 81 यानी कि 1 mm एक्स में 1 mm से पोजिशन पर है और यहाँ पे जेड यानी कि अपना 0 होता है, जेड 5 यानी कि 5 mm यानी कि टूल अभी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक से 1 mm और जेड 5 mm दूर में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट G01Z-60.0F10.0 इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं टूल को शिफ्ट किया हूँ जेड माइनस 60 यानी कि ये अपना जीरो होता है, यहाँ से देखिए ये इसका डिस्टेंस कितना दिया टोटल 60 यानी कि यहाँ से टूल को यहाँ शिफ्ट कर दिया यानी कि जेड 60 पर टूल को शिफ्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर कमांड दिया G01Z-60F10। यहाँ पे F10 इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि टूल थोड़ा स्पीड में जाएगा, क्योंकि अभी टूल हवा में, इसलिए टूल को यहाँ पे F10 देंगे, थोड़ा स्पीड में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट G75R1 दोस्तों, ये G75 गुबिंग साइकिल का कमांड होता और R1 यानी कि 1 mm का रिट्रैक्शन है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी ये फॉर्मेट समझा चुका हूँ, उसी फॉर्मेट जैसे R का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए R यानी कि पॉइंट नंबर टू किसको डिनोट करता है, रिट्रैक्शन अमाउंट यानी कि अपना टूल मेटल रिमूव करने के बाद जितना इनमें ऊपर उठता है उसी को रिट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये G75R1 ये आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट G75X60 दोस्तों, ये G75 सेकेंड ब्लॉक ऑफ ग्रूविंग साइकिल का कमांड होता है और X60 यानी ग्रुप का डेप को डिनोट करता है। यहाँ पे देखिए एक्स किसको डिनोट करता है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट 4 क्या है, ग्रुप डेप यानी कि एक्स किसको डिनोट करता है, ग्रुप डेप को डिनोट करता है। एक्स कितना है, X60 है, इसलिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ 60 और जेड माइनस ट्वेंटी इसका मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जेड यानी 5 नंबर पॉइंट में क्या है, लास्ट ग्रुप पोजीशन इन जेड एक्सिस यानी कि ग्रुप का लास्ट पोजीशन क्या है, ये लास्ट अपना ये फर्स्ट पोजीशन है क्योंकि मैं यहाँ से ग्रुप बनाना शुरू किया हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये ग्रुप का लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन का डिस्टेंस कितना है 20 है, इसलिए यहाँ पे जेड माइनस 20 दिया हूँ। 3000 यानी कि 3000 ये माइक्रोन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3000 माइक्रोन मीन्स 3 mm यानी प्रत्येक पास में 3 mm मेटल रिमूव करेगा। ठीक है दोस्तों, ये P डिनोट करता है उसको। और उसका नेक्स्ट Q 20000 यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग समझाया था Q मीन्स क्या होता है, 7 नंबर पॉइंट स्टेपिंग क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी समझाया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्टेपिंग कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 है, इसलिए स्टेपिंग इसको डिनोट करता है, ये 20000 है यानी माइक्रोन लिखा हुआ है यानी कि ये 20 mm है। ठीक है दोस्तों, और एक 0.1 यानी कि यहाँ पर फीट रेट 0.1 का। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट G0X90 यानी कि G0 के मदद से X90 यानी टूल को ऊपर उठा लिया और G28 U0.0 W0.0 टूल को होम पोजीशन में भेज दिया और M05 M09 यानी कि स्पिंडल स्टॉप कूलेंट आउट। दोस्तों ये प्रोग्राम तो हम लोग 10 mm ग्रूविंग इंसर्ट की मदद से बनाए। ठीक है, लेकिन यदि हम 4 mm ग्रूविंग इंसर्ट की मदद से यदि बनाए तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ये इसका भी 10 mm यानी ग्रूव का भी जो है 10 mm है, लेकिन अपना इंसर्ट जो है 4 mm का, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब यहाँ पे टूल एक बार प्लंज करेगा तो 4 mm का विड्थ बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें कितना बार प्लंज करेगा, 3 बार प्लंज करेगा, एक बार प्लंज करेगा तो 4 mm बनेगा, फिर एक बार प्लंज करेगा तो फिर 4 mm का बनेगा और फिर एक बार प्लंज करेगा तो 2 mm का ग्रुप बनेगा, यानी कि टोटल 3 बार प्लंज करेगा तो अपने जाकर के 10 mm का ग्रुप होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि इसी साइकिल प्रोग्राम में हम 4 mm ग्रूविंग इंसर्ट यूज करके यदि यही साइकिल प्रोग्राम चलाए तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ऐड कर देंगे जो आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाया था आर यानी कि पॉइंट नंबर 1 क्या है, रिलीफ अमाउंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आर जैसे कितना एक बार प्लंज कर रहा है तो 4 mm बन रहा है, बचा कितना 6 mm बचा, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना लिख देंगे, यहाँ पे टोटल लिख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 6.0 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में आ गया कि यदि 4 mm ग्रूविंग इंसर्ट से हमें बनाना हो यहाँ पे आर का वैल्यू 6.0 कर देंगे यानी कि वो ऑटोमेटिक 3 बार प्लंज करके एक 10 mm विड्थ का ग्रुप बना देगा इस तरह से करके, और कुछ नहीं चेंज होगा, सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आर
का वैल्यू एक तो ऐड कर देंगे, और आर क्या होता है ये आप लोग अलग से समझा दिया, रिलीफ अमाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को G75 मल्टीपल ग्रुपिंग किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।